My dear friends, now we are going to discuss in this video state of matter, how this matter is classified in different states and what are the basis on which a matter can be classified. So as we know, the matter is anything, any object which occupies some space and have mass. But the state of matter is a qualitative property. Based on qualitative property, how the matter is classified in different states. So as we can say, the matter, it is a type of it, the state of matter is made up of, it is made based on different qualitative difference in properties. Like different objects retain different properties. On the basis of those properties, we define different states. Like the states of matter occurs in mostly in three forms. The first one is solid, the second one is liquid, the third is gas. In your state of class 10, these are the three states which we are going to study. But there is one more state called plasma, which is an intermediate state between liquid and gas. Now we will discuss about solid. What is solid and how it is classified in state of matter, or how matter is classified in the form of solid. दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं कि state of matter क्या होते हैं, किस किस state में पाए जाते हैं, state मतलब किस किस अवस्था में पाए जाते हैं. तो यहाँ हमारे पास, हम जानते हैं कि जो qualitative property मतलब quality के हिसाब से या working culture या देखने और समझने के हिसाब से जो भी मैटर के पार्ट बताए गए हैं वो तीन हैं. पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस. आपके स्तर पर यही तीन होते हैं, लेकिन चौथा भी होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड इज इन सब्सटेंस, और वी कैन से द सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हमने बात की थी क्या होते हैं, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. वी कैन से नॉट टेकिंग एटम इन स्पेसिफिक, पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स constituent particles are closely packed together. But there is very less space between the corresponding particles of solid. Okay? यहाँ हम solid की बात कर रहे हैं, तो solid में पहली property क्या है कि जो उसके अंदर particles पाए जाते हैं वो closely packed होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. जिसमें particles में कौन कौन से particles आ सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. एटम्स हमने डिस्कस किया था. एटम इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ ऑर्डिनरी मैटर. मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. एंड आयन आर द स्टेबल एटम्स बाय चार्जिंग और डिस्चार्जिंग of a particular atom, or we can say by donating or accepting ions form. क्या बात कर रहे हैं कि जो particles होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, atoms, molecules and ions. Atom क्या है, हमने पढ़ा था अभी ordinary, उसमें ordinary matter में, कि atom एक constituent है, सबसे छोटा constituent है जो किसी भी ordinary matter में पाया जाता है. ठीक है, और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पार्टिकल्स के अंदर जो दे आर क्लोजली पैक्ड, मतलब आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहेंगे, इनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा. और वी कैन से द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम. इंटर एटॉमिक स्पेस इज मिनिमम. और वी कैन से द
The force of attraction between atoms is maximum. Between particles. क्या कहने का मतलब है कि सॉलिड को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बात वही है। हम तीनों चीजों से एक ही चीज प्रूव कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्डिनरी मैटर के अंदर जब पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो फ्रीली मूव नहीं कर पाते या इंटर एटॉमिक स्पेस उन दोनों एटम्स के बीच में, सबसे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, या फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों को आपस में, दोनों को जो जोड़े हुए हैं एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयन्स को या बेसिकली पार्टिकल्स को, वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो ऑल थ्री डेफिनेशन स्टेट्स दैट एटम्स आर नॉट फ्री टू मूव और पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड। क्या कहने का मतलब है कि जो भी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स है, जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट है, वो फ्री मूव करने लायक नहीं है, वो फ्री मूव नहीं कर सकते, क्योंकि या तीनों चीजों से वही पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम है वो बहुत ज्यादा है। इंटर एटॉमिक स्पेस, स्पेस कम होगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इन दोनों के बीच में जगह कम बचेगी किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में, या फिर ऐसे कहें कि पार्टिकल्स जो है वो आपस में क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, जिससे उस पार्टिकल्स को फ्री मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। एग्जांपल में आप कोई भी ऐसी धातु ले लीजिए जिसमें जो बहुत टाइट है, जैसे आप आयरन ले सकते हैं, आयरन का एग्जांपल, आयरन में क्या होता है, आयरन के अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आपस में जकड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मूव नहीं करते। कोई भी मेटल आप लेंगे तो उसके अंदर जो सॉलिड है, सॉलिड का मतलब है जिसके जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड की, और इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि आई जस्ट वांट टू डिस्कस हाउ दिस स्टेट, दिस सॉलिड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट स्टेट्स लाइक लिक्विड एंड गैस। इफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी मैटर इज इन सॉलिड स्टेट, हाउ इट कैन बी चेंज टू फ्रॉम सॉलिड टू अदर स्टेट्स, like from change of state. ये हम स्टेट्स देख रहे हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करता है जब मैटर, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है मेल्टिंग। द प्रोसेस बाय विच एनी सॉलिड सब्सटेंसेस इज चेंज टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग इज द रेज ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, या वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग, ठीक है। इसी तरह लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें फ्रीजिंग करना पड़ता है। फ्रीजिंग, ये टेम्परेचर मिनिमाइज होता है इसमें और इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। When we, if we want to convert any liquid in solid, the process is called freezing.
सेम इफ यू गो फॉर फ्रॉम सॉलिड टू गैस द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. एंड फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन. These are the four processes used in state change of matter, where the different state changes to one state changes to other. यहाँ हम state change की बात कर रहे हैं, जिसमें solid से liquid में कब change होगा और किस process के through होगा, liquid से solid में किस process के through होगा, solid से gas में और gas से solid में. यहाँ पर जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज बदली जाएगी तो प्रोसेस होगा मेल्टिंग, जब लिक्विड से वापस सॉलिड में बदलेंगे तो प्रोसेस होगा फ्रीजिंग, जब सॉलिड से गैस में बदलेंगे तो होगा सब्लिमेशन, और जब गैस से वापस सॉलिड में बदलेंगे तो वो होगा डिपोजिशन. ये चार स्टेट्स, ये चार इंटरचेंजेबल स्टेट्स हैं जो सॉलिड से अदर सॉलिड के कंपैरिजन में अदर स्टेट ऑफ मैटर्स में वैरी करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड. द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज लिक्विड? इट इज अ टाइप ऑफ स्टेट मैटर विद डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. फॉर एग्जांपल वाटर, लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. क्या कहने का मतलब है कि यहां लिक्विड के अंदर जो उसका वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम होगा मतलब जितना वो स्पेस लेता है वो फिक्स होगा, वॉल्यूम इन द सेंस. एंड नो डेफिनेट शेप, कोई फिक्स आकार नहीं होगा, जिस भी चीज में वो डालेंगे कंटेनर का, कोई भी वस्तु का, उसी का आकार वो ले लेगी. जैसे एग्जांपल हमारे पास वाटर, पानी, इसे हम जिस भी मर्तबान में या कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेगी. यहां होता क्या है, जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा कि सॉलिड हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड के अंदर क्या होता है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, वो किसी भी तरीके से ना अपना शेप बदलेगा ना अपना वॉल्यूम बदलेगा. लेकिन लिक्विड के अंदर अभी ऐसा क्यों होता है, द सेम रीजन कि यहां जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड. What we mean to say is in liquid state the particles are not closely packed, or the intermolecular space, interparticle space is higher than solid. We can say the interatomic force or interparticle force is interparticle force is less than solid. कहने का क्या मतलब है कि लिक्विड वो स्टेट है जिसके अंदर
पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड की तरह क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो हल्का लूज होते हैं, मतलब वो आपस में मूव कर सकते हैं. फाइनल इज द पार्टिकल्स कैन मूव, द पार्टिकल्स कैन मूव इन लिक्विड. क्या मतलब है कि इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड, यानी बहुत ज्यादा आपस में जुड़े नहीं होते, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते. ठीक है. और इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन सॉलिड, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है, इसका मतलब है इंटर पार्टिकल फोर्स इज लेस देन सॉलिड. जैसे वहां पर फोर्स जो था मैक्सिमम था सॉलिड के अंदर, इसलिए वो हिल भी नहीं सकते थे, वो इतनी मजबूती से एक दूसरे से जुड़े थे कि वो हिल भी नहीं सकते थे. और इसी कारण से लिक्विड जो है वो किसी भी मर्तबान का शेप ले लेता है. रीजन क्या है कि ये तीन रीजन की वजह से वो लिक्विड स्टेट में फिक्स्ड शेप नहीं है, जिस भी चीज में वो जाएगा उसी चीज का शेप ले. जैसे पानी है, चाहे वो बॉटल में हो, चाहे वो ग्लास में हो, चाहे कंटेनर में हो, जिस भी चीज में उसको रखेंगे वो उसी का शेप एक्वायर कर लेगा. अब बात करते हैं गैस की, ठीक इसके विपरीत. हम यहाँ जैसे हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि स्टेट चेंज क्या होता है. गैस के अंदर ना नाइदर नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, ना ही इसका जो आयत है, जो इसका वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, और ना ही इसका शेप फिक्स होता है. अगर किसी गैस को हम कमरे में अगर चाहे तो वो कमरे में भी स्प्रेड हो जाएगा और एक बॉटल के अंदर भी आ जाएगा. इसी तरह से इसका जो साइज है वो भी फिक्स नहीं होता, ये किसी भी चीज में अगर हम इसे ओपन एयर में देते हैं तो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है. जैसे हमने गैसेस देखी हैं, आप परफ्यूम यूज करते हो वो एक एग्जांपल है. जैसे ही आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो एक अनकंडीशनल डिस्टेंस कवर करता है, और स्पेस की बात करें तो परफ्यूम एक बॉटल के अंदर आता है. तो ये दोनों चीजें हैं, ना ही इसमें डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है, और ना ही स्पेस होता है, ना ही इसमें ऐसा क्यों होता है. व्हाई दिस अकर्स इन गैस, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब एकदम फ्री होते हैं. इसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. यू कह हम के पार्टिकल्स को फोर्सफुली पैक करते हैं, ये पार्टिकल्स फ्री है, ये एक दूसरे से किसी भी तरीके का मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. कहने का मतलब है कि जो आपस में पार्टिकल्स के बीच में जो संबंध है या जो फोर्स है वो सबसे कम होता है, इससे अधिक होता है लिक्विड के अंदर और सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के अंदर. अब हम अगर अगर हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, गैस के अंदर नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेस इज मिनिमम, लिक्विड के अंदर इट इज ग्रेटर देन गैस बट लेस देन सॉलिड, और गैस के अंदर मिनिमम. इसी तरह हम बात करें कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हो गया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड के अंदर मैक्सिमम, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस,
सॉलिड और गैस के बीच का होगा और गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होगा, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स है दे आर ऑलवेज फ्री टू मूव, वो कहीं भी कभी भी मूव कर सकते हैं। और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री स्टेट्स। यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम का मतलब जीरो कर लीजिए इसे, कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर या पार्टिकल फोर्स नहीं होता। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जस्ट बाय नोइंग। गैस का एग्जांपल परफ्यूम ले सकते हैं या कोई भी गैस ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी ऐसी गैस जो स्मेल करती है उससे आपको पता चलेगा कि ये कहां तक कितनी दूर तक स्मेल कर सकती है। ये था आपके लिए स्टेट ऑफ मैटर्स में सॉलिड लिक्विड गैस और इनका आपस में कंपैरिजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।